तो चलिए फटाफट हम लोग रे डायग्राम देखते हैं आज, और आज हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर के केस के लिए। प्रीवियस क्लास में लोग देखे थे किसके लिए, कनकेव मिरर्स के लिए क्या क्या रूल्स था इमेज फॉर्मेशन के लिए, रे डायग्राम्स बनाने के लिए उसको देखे थे। डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को देखे थे, जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज कैसे ड्रॉ करना है इसको भी हम लोग सीखे थे। कुछ एक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग यूजेज ऑफ कनकेव मिरर्स भी देखे थे। आज हम लोग जानेंगे बेसिक रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहला रूल है भाई कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर सब लोगों को याद है ना, ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो रूल वन है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर अपियर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखिए अपियर्स टू डाइवर्स जो हो रहा है ना, ये कैसा हो रहा है, ऐसा है उसको जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो इट विल अपेयर लाइक इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम फोकस। जैसे हम लोग कनकेव मिरर केस में सेम केस को जब डिस्कस किए थे, और कोई रे इंसिडेंट हो रहा था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जा रहा था, फोकस से, है ना। इसमें भी जाता है फोकस से ही, बट इट अपियर्स टू पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग डायग्राम देखते हैं, इसका रे देखते हैं। जैसे एज्यूम करते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है ये भी, और हम लोग एक रे लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट हो रहा है, और ये रिफ्लेक्ट कैसा करेगा, ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और जब ऐसा रिफ्लेक्ट कर, ध्यान देना इसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहां से रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन इसको जब हम लोग ऐसे एक्सटेंड करते हैं ना, तो ये ऐसा अपियर होता है, अपियर टू पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, समझ बात आई। तो ऐसा अपियर होता है, इसीलिए इसका जो ये फोकस है ये क्या है, एक्चुअल फोकस है क्या, नहीं। हाँ ठीक है भाई, समझ बात आ गई, कोई दिक्कत है इसमें, लिखना तो लिख सकते हैं। जब भी इस तरह के रूल्स को लिखिए, डायग्राम बनाना मैंडेटरी, कभी भी एग्जाम में भी ऐसा कुछ लिखते हैं तो डायग्राम से सपोर्ट कर देना चाहिए उसको। इससे क्या होता है, अगर लैंग्वेज में कुछ इनकम्प्लीटनेस भी रह जाता है बाय मिस्टेक, तो डायग्राम उसको क्या करता है, सपोर्ट कर देता है। चलिए रूल सेकेंड देखिए, एन इंसिडेंट रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। कनकेव के केस में भी ऐसा ही था, है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे इंसिडेंट होता था रिफ्लेक्ट बैक होता था बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। इसमें भी ऐसा ही है, द इंसिडेंट रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, ठीक है। ऐसा कोई रे है इंसिडेंट हो रहा है तो ये क्या होगा, जिस पाथ से आएगा उसी पाथ में बैक हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई ये हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये आ रहा है यहाँ तक, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको एक्सटेंड करके दिए हैं, है ना, इसीलिए क्या हो रहा है, इट अपियर्स अगेन, क्या समझे। लेकिन पाथ सेम फॉलो करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, तो फटाफट इसको लिख लेना है और डायग्राम भी बना लीजिए। ठीक है, जैसा रे इंसिडेंट होगा वैसा ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये अपियर होगा जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ रिफ्लेक्ट हो रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए रूल थ्री, अरे यहां पर कर लेंगे हम लोग एन इंसिडेंट रे विच इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो पहला वाला लॉ था उसी का जस्ट कन्वर्स है ये, है ना। जैसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जिसे इसके पाथ में फोकस आता हो, अगर इसको एक्सटेंड करें ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है। अगर ये डिरेक्टेड है टुवर्ड्स
फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अगर इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फटाफट इसको भी लिख लीजिए। तो बढ़ते हम लोग रूल फोर की तरफ। चलिए रूल फोर फटाफट लिखिए। एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, जैसा कनकेव मिरर में होता था, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा ही कनकेव में भी होता था, सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही, ठीक है। तो जितना एंगल ये बनाते हुए आ रहा है उतना एंगल बनाते हुए क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फटाफट इसको भी लिख लेना है, डायग्राम बना लेना। तो चलिए हम लोग एक दो पोजीशन डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट्स एट इंफिनिटी ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका रे डायग्राम देखते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, ये हमारा हो गया मिरर। और ऐसे एज्यूम करते हैं ए बी इज एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे पैरेलल बीम ऑफ रे जाएगा, तो अब बताना है कि ऐसा पैरेलल बीम रे ऑफ रे जो आएगा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, यानी इसका जो हम लोग रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे वो ऐसा ड्रॉ करेंगे जैसे ये फोकस से पास कर रहा हो। इसका रिफ्लेक्शन कैसा ड्रॉ करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे, यानी इधर से जाएगा ये ऐसा जाएगा, और इसको फिर ऐसा ड्रॉ करेंगे जैसे ये इधर से फोकस से पास कर रहा हो। फिर इसको ड्रॉ करना है तो ऐसा ड्रॉ करेंगे जैसे ये फोकस से जा रहा, ठीक है। यानी एक्सटेंड करने से ऐसा इमेजिन हो, ऐसा इल्यूजन आए कि फोकस से पास कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसा इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई। तो इसका इमेज कहां बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। और जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये मीट करेगा कहां, एट दी फोकस, है ना, ठीक है भाई। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, एट एफ, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, है ना, वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगा और इरेक्ट है तो वर्चुअल ही होगा, है ना। पोजीशन क्या हो जाएगा इमेज का, एट एफ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इंफिनिटी। ठीक है भाई, फटाफट बनाइए इसको। कन्वेक्स मिरर के केस में इसको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर जो है ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, पहला चीज, है ना। कन्वेक्स मिरर में क्या क्या याद रखना है, इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, ठीक है, पहला चीज याद रखना। दूसरा, ये तुमको कहाँ मदद करेगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मदद करेगा, ठीक है। वहां ये फाइंड करने में कि नेचर ऑफ मिरर क्या है ये पता करने में सुविधा हो जाएगी। इट फॉर्म्स ओनली डिमिनिश्ड इमेजेस, ठीक है, यानी जितना भी इमेज फॉर्म करेगा ये स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा। डिमिनिश्ड का मतलब हो गया स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये कन्वेक्स के केस में ऐसा होता, ठीक है। तो नेचर में हो गया, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया और हाईली डिमिनिश्ड हो गया। हाईली डिमिनिश्ड को हम लोग पॉइंट साइज भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके केस में हम लोग क्या किया, एक रे लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस। और दूसरा, जब हम लोग सी से पास कराएंगे रे
तो कहां से पास करेगा ये? सी से ही पास करेगा। ये रे जो है ये सी के थ्रू था, तो ये अपना पाथ में इधर से गया था, उसी पाथ को बाउंस बैक करेगा, ठीक है। और जो पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया था वो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से पास हो रहा है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारा। तो इमेज कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? तो हमेशा बताया है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स केस में कभी भी लार्जर इमेज मैग्निफाइड इमेज नहीं बनता, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ इमेज क्या हो गया? पहले पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, है ना, ये पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म क्या होगा? एट एफ, इन बिटवीन, एट एफ नहीं होगा। पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा? इन बिटवीन पी एंड एफ, इन बिटवीन पी एंड एफ, थोड़ा करेक्ट कर लेना। पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इन बिटवीन पी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज में क्या होगा? पहला वर्चुअल होगा, क्योंकि कन्वेक्स केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता है, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा ही होगा। और तीसरा डिमिनिश्ड होगा, है ना, डिमिनिश्ड का मतलब अभी लिखा था स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो इमेज जब भी फॉर्म होगा या तो डिमिनिश्ड होगा या तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होना ही होना है, वर्चुअल होना ही होना है ना। और पूरा का पूरा कन्वेक्स मिरर में जितना भी इमेज फॉर्म होता है उसका दो ही पोजिशन होता है, इधर एट एफ और इन बिटवीन पी एंड एफ, तीसरा कोई लोकेशन नहीं होता। इमेज का ऑब्जेक्ट का पोजिशन कोई सा भी रख ले, है ना, इमेज फॉर्म दो ही जगह होता है, इधर एट एफ और इन बिटवीन पी एंड एफ, याद रहेगा। इमेज ऑलवेज, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, एन इमेज ऑलवेज विल बी इधर डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। इतना याद रखना है कन्वेक्स केस में। आगे बढ़े, अगला है इमेज का यूजेस, सॉरी मिरर का यूजेस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, है ना। शॉप सिक्योरिटी मिरर, शॉप सिक्योरिटी मिरर में क्या होता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है ये स्मॉलर और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, ये एक मिरर जो है क्या करता है, पूरे लार्ज एरिया को एक विजन दे सकता है ना, इसीलिए इसको हम लोग शॉप सिक्योरिटी मिरर, जब कैमरा नहीं था उस समय में हम लोग ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते थे, शॉप सिक्योरिटी मिरर को, है ना, ताकि आदमी एक जगह से बैठ के पूरे शॉप को एट अ ग्लांस देख सके, है ना, साइज को, क्योंकि वो डिमिनिश कर देता है, ठीक है। और यही रीजन होता है हम लोग गाड़ी के रियर व्यू मिरर के तौर पर भी किसको यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, क्योंकि वो पीछे का लार्जर एरिया को हमको एट अ ग्लांस दिखा देता है ना, और इरेक्ट इमेज भी दिखाता है, दोनों बात है, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्लियर हो गया भाई। तो यही रीजन है कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। अगर तुमसे पूछा जाए यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर तो इसको ध्यान रखना, या एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, कन्वेक्स मिरर ना लिख के लिखेगा द मिरर विच इज यूज्ड इन द शॉप सिक्योरिटी मिरर, तो ध्यान रखना है कि वो मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। अगर पूछे द मिरर विच इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स तो लिखना है रियर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझ सकते हैं हम लोग कि प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते उसे अगर, तो प्लेन मिरर जो है ना एक वाइड एंगल को कवर नहीं कर पाता, जैसे एक प्लेन मिरर है देखो, है ना, तो प्लेन मिरर जो है उसका रेंज कितना है, कितना है? इस एरिया को कवर कर सकता है वो, लेकिन इसी जगह पर अगर कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है इट विल कवर अ वाइड रेंज, है ना, ठीक है, ये वाइड लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए बात को। क्योंकि ये इमेज को बनाता है छोटा तो बड़ा एरिया को कवर कर लेता है आसानी से, ठीक है, इससे हमको होती है सुविधा, ठीक है। इसीलिए हम लोग अगर कहीं पूछे कि प्लेन मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं या कन्वेक्स मिरर की जगह प्लेन मिरर यूज क्यों नहीं करते, इसका रीजन ये देना, क्योंकि ये वाइड रेंज को कवर करता है, ठीक है, समझ गए बात को। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा व्हाई इज कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो ये क्या करता है,
कनकेव मिरर क्यों नहीं करता भाई? तो कनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज इन व्हीकल्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। पहला तो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर ही है। अगर पूछे कनकेव मिरर क्यों नहीं यूज करता, कनकेव मिरर तो भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज बना देगा। रियल इमेज क्या होता है? हाँ, तुमको उधर से आदमी शीर्षासन करते हुए दिखेगा आ रहा है, नहीं मुंडी के बल चलता हुआ आ रहा है, ऐसा दिखेगा। तो ये हमको इनकन्वीनियंट लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टू चॉइसेस बचता है, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर का रेंज बहुत छोटा हो जाता है और कन्वेक्स मिरर एक वाइड रेंज देता है। दैट्स व्हाई वी आर जनरली यूजिंग कन्वेक्स मिरर इन केस ऑफ रियर व्यू मिरर्स ऑफ द व्हीकल्स। क्लियर हो गया? अब कनकेव यूज क्यों नहीं करते, समझ में आ गया? क्यों नहीं करते? कनकेव डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज देता है, रियल इमेज फॉर्म कर देता है भाई। रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज थोड़ी चाहिए हमको, इरेक्ट इमेज चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कितना भी दूर खड़े ये मैटर नहीं करता, आपका इमेज कैसा होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए। मिरर क्या होगा सोचकर बताओ,